अपडेट के बाद सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी पे रिवर्क किया गया है, यानी कि एबिलिटी को सेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम पहले सेंटिनो को यूज करते थे तो जहाँ पर ये स्टेच्यू गया है वहाँ पर हम लोग जा सकते थे एंड फिर वहाँ पर ही सेंटिनो की एबिलिटी खत्म हो जाती थी। लेकिन आफ्टर अपडेट जब हम सेंटिनो को यूज करते है तो जहाँ पर स्टेच्यू गया है वहाँ पर तो हम जा सकते है लेकिन वहाँ पर एबिलिटी खत्म नहीं होती है। अगर आप वापिस स्किल बटन पे टैप करोगे तो आप लोग अपनी जगह पर वापिस आ जाओगे जहाँ से आपने सेंटिनो को यूज किया था, यानी कि आप हैकर की तरह टेलीपोर्ट हो सकते हो। लेकिन टेंशन मत लेना, आपकी आईडी बैन नहीं होगी। जो स्टेच्यू आपने छोड़ा है अगर वो एनिमी तोड़ देता है तो एनिमी के ऊपर एक मार्क शो करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनिमी ने कहां से आपके स्टेच्यू को तोड़ा है। तो इतनी बड़ी एबिलिटी है तो कंफ्यूजन तो होगा, इसलिए मैं लेकर आ सकता हूं सेंटोनियो टिप्स एंड ट्रिक हाउ टू यूज सेंटोनियो कैरेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं टिप्स नंबर वन। तो इस टिप्स में आप लोगों को क्या करना है, जहां पर आप लोग सेंटोनियो के स्टेच्यू को भेजकर वहां पर जाते हो एंड वहां पर आपने एक एनिमी को डाउन कर दिया एंड अगर वहाँ पर दूसरा एनिमी है या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब मैं सेफ नहीं हूँ तो तब वहाँ पर आप लोगों को तुरंत ही सेंटोनियो की स्किल पे टैप करके वापस आ जाना है जिससे आप इजीली बच जाओगे एंड इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना होगा वरना आप वापस नहीं आ पाओगे। तो आपको सेंटोनियो के स्टेच्यू से एनिमी के पास जाना है एंड आपको लगता है कि यहाँ पर तो पूरी स्क्वाड है तो तुरंत आपको वापस टेलीपोर्ट कर लेना है जिससे आप लोग इजीली बच पाओगे। टिप्स नंबर टू, यूज सेंटोनियो एंड रिवाइव योर टीममेट। तो इसमें मैं आप लोगों को दो टिप्स बताऊंगा कि आप सेंटिनियो की मदद से कैसे अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो। तो आपका टीममेट डाउन होता है एंड आपको एनिमी वहां तक रिवाइव करने नहीं जाने देता तो जहां पर भी आपका टीममेट डाउन होता है तो उधर आपको सेंटिनियो के स्टेच्यू को छोड़ देना है। जैसे यहां पर देखो, मुझे पता चल गया कि मेरा टीममेट डाउन हो गया तो मैंने क्या किया, सेंटिनियो के स्टेच्यू को छोड़ दिया एंड फिर मैंने यहां पर थोड़ा सा फ्री फायर दिया ताकि बंदा निकले ना एंड फिर मैंने सेंटिनियो से टेलीपोर्ट होकर इजीली अपने टीममेट को रिवाइव कर लिया एंड फिर मुझे पता चला कि यहाँ से तो कोई एंगल ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो फिर से मैंने सेंटिनियो पे टैप करके वापस जहाँ से मैंने सेंटिनियो को यूज किया है वहाँ पर चला गया। तो अभी मैं आप लोगों को दूसरा रिवाइव करने का तरीका बताता हूँ। तो जैसे ही आपका टीममेट डाउन होता है आपको कहीं पर कवर में सेंटिनियो को यूज कर लेना है एंड जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव कर लेना है एंड फिर आपको लगता है कि यहाँ पर तो मुझे एनिमी मार सकता है तो तुरंत आपको स्किल पे टैप कर देना है एंड आपने जहाँ पर कवर में सेंटिनियो को यूज किया था आप लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो आपने अपने टीममेट को भी रिवाइव कर लिया एंड आप लोग इजीली कवर में भी आ गए सेंटोनियो की मदद से। टिप्स नंबर थ्री, यूज सेंटोनियो एंड कंफ्यूज एनिमी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एनिमी को मैं डाउन कर देता हूँ एंड फिर उसका दूसरा बंदा ऊपर से नीचे आता है एंड वो बंदा हुकोंग बन जाता है तो मैं उसे इजीली नहीं मार सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं सेंटोनियो कैरेक्टर को यूज कर लेता हूँ एंड जैसे ही वो बंदा मुझ पे हुकोंग तोड़कर फायर करता है तो मैं यहाँ पर सेंटोनियो पे टैप कर लेता हूँ जिससे उसका पूरा स्प्रे मिस करवा देता हूँ एंड फिर मैं उसे इजीली मार देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा कंट्रोल खो देता हूँ लेकिन फिर भी मैं एनिमी को इजीली मार देता हूँ कंफ्यूज करके। यहाँ पर भी देखो, मुझे यह एनिमी डैमेज देता है एंड मैं यहाँ पर तुरंत ही सेंटोनियो को यूज कर लेता हूँ एंड इस ग्लूल के पास जाकर मैं वापस सेंटोनियो पे टैप कर देता हूँ एंड एक और बार मैं सेंटोनियो को यूज कर लेता हूँ जिससे वो एनिमी पूरा कंफ्यूज हो गया एंड इजीली मेरे टीममेट ने उसे मार दिया। टिप्स नंबर फोर, यूज सेंटोनियो एंड होल्ड इन जोन। तो यह टिप्स बीआर रैंक में काम आएगा अगर आप लोग जोन में फाइट कर रहे हो एंड आपको जोन में भी जाना है एंड एनिमी के साथ फाइट भी करनी है तो वहाँ पर सेंटिनियो कैरेक्टर बहुत काम आएगा। आपको क्या करना है, सेंटिनियो को जोन की तरफ यूज कर लेना है एंड आपको एनिमी के साथ फाइट करती रहनी है। फिर आपको लगता है कि स्टेच्यू जोन में पहुंच गया है तो फिर आपको इजीली टेलीपोर्ट हो जाना है एंड वो एनिमी भी सोचेगा कि ये बंदा गया कहाँ, लेकिन आप तो जोन में आ चुके हो एंड फिर जब वो एनिमी जोन में आता है तब आपको उसे मारना है। टिप्स नंबर फाइव, तो इसे टिप्स कहो या फिर मिस्टेक। यहाँ पर मैंने एनिमी को देखा और मैंने तुरंत ही उस तरफ सेंटोनियो को लगा दिया एंड मैं चला जाता हूँ इस तरफ से एनिमी को मारने के लिए एंड यहाँ पर ही वो एनिमी आ जाता है तो मैं उसे बॉडी बॉडी मारकर इजीली खत्म कर देता हूँ एंड फिर मैं क्या करता हूँ, सेंटोनियो को यूज कर लेता हूँ। एंड आप लोग देखो क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि सेंटोनियो का स्टेच्यू जोन में चला गया है एंड मैंने जैसे स्किल पे टैप किया तो मैं यहाँ पर जोन के बाहर आ गया एंड फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ रही थी। तो आपको कभी भी बिना जाने सेंटोनियो को यूज नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टेच्यू जोन में तो है या फिर कहीं पर सेफ जगह पर तो है ना, वरना आप भी मेरी तरह कहीं सेंटोनियो को जोन में यूज ना कर लो। टिप्स नंबर सिक्स, डिफेंड ग्रेनेड। तो क्या हम लोग सेंटोनियो को यूज करके ग्रेनेड से बच सकते हैं? तो यस। तो सीएस रैंक में कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पर डेफिनेटली ग्रेनेड आते हैं, जैसे कि यह कंटेनर वाली साइड एंड इस मैप में ये वाला लोकेशन एंड इस मैप में ये वाला लोकेशन। तो इन लोकेशन पे डेफिनेटली ग्रेनेड यूज करते हैं सामने वाले एंड और भी लोकेशन है जहाँ पर ऐसे ही ग्रेनेड आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेंटोनियो को कवर में यूज करके आपको उस जगह पर जाना है एंड आपको लगता है कि अभी ग्रेनेड आने वाला है तो सिंपली आप लोगों को सेंटोनियो को यूज कर लेना है जहाँ पर आपने कवर में सेंटोनियो को
यूज किया था वहां पर आप लोग इजीली टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो इस तरह से आप लोग ग्रेनेड से इजीली बच सकते हो सैन एंटोनियो का यूज करके। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस।